Assalamu alaikum 5 class. Today I'll explain you detailed questions. Write a note on vaccination. First question. Answer. Vaccination is means of protecting us against certain germs. Weakened or dead germs are introduced in the body so that the body starts to produce antibodies which kill these types of germs. Means ke vaccination ka matlab hai injection lagwana, theek hai? Aur इंजेक्शन जो है वो हम ऐसी ख़ास किस्म के जरासीम के अगेंस्ट जो हैं उनसे प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो हैं वो लगाए जाते हैं और इसी को हम वैक्सीनेशन कहते हैं. एक्चुअली वैक्सीनेशन के थ्रू इंजेक्शन के थ्रू वीकेंड और डेड जर्म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, इंजेक्ट कर दिया जाते हैं, जिसकी वजह से द बॉडी स्टार्ट टू प्रोड्यूस, बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है. वो एंटीबॉडीज जो कि वाइट ब्लड सेल हर एक बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, और जब कोई बॉडी वीक हो जाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो रहते हैं, तो फिर वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस की इंजेक्ट किए जाते हैं, और फिर वो विच किल दिस टाइप्स ऑफ जर्म, फिर वो ख़ास किस्म के जरासीम को जो है वो दिस टाइप्स ऑफ जर्म्स को जो है वो ख़त्म कर देती है. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइट द यूजेस ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के यूजेस क्या हैं, यानी वैक्सीनेशन किन किन डिजीजेज़ के लिए यूज़ होती है. वी यूज़ वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीजेज. हम वैक्सीनेशन को यूज़ करते हैं इन बीमारियों के खिलाफ, सच एज मीजल्स हैं, मॉम्स हैं, कूपिंग कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है, डिफ्थेरिया है एंड पोलियो. क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेड. ब्रेड के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी रोटी और ब्रेड को जो हम खाते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं. आंसर है, ब्रेड कंटेन सम प्रोटीन्स. ब्रेड में जो है वो अगर आप ब्रेड खाते हैं तो उसमें कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है. इट कंटेन्स विटामिन बी एंड डी. इसमें विटामिन बी भी है, डी भी है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम भी पाया जाता है एंड फॉस्फोरस भी. होल मील, होल ब्रेड ग्रेन, होल ग्रेन ब्रेड इज़ गुड सोर्स ऑफ फाइबर. और अगर आप जो है ब्रेड खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं तो ये गुड सोर्स ऑफ फाइबर है. फाइबर यू नो के हमारी डाइट का वो हिस्सा होता है जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउट करता है. तो अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ये आपके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करने में बेहतरीन है. ओके फाइव क्लास, आपने इन थ्री डिटेल क्वेश्चंस आंसर को जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अपनी नोटबुक पर लिखना है. उनको अच्छी तरह से आपने याद करना है स्पेलिंग्स के साथ. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.